हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं कि कैसे मेडिसिन को इसको रिलेट करेंगे या कैसे इससे पढ़ेंगे। देखिए, एक मेडिसिन हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एब्रोटेनम। एग्जांपल के तौर पे इसको ले रहे हैं, जैसे इसका कॉमन नेम है साउदर्न वुड या लेडीज लव। इसका कॉमन नेम, जैसे इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरू करते हैं एब्रोटेनम का, साउदर्न वुड या लेडीज लव, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका नाम प्रूवर इसके तीन हैं, आपको याद रखने हैं, कुसिंग CUSING, कुसिंग गैचेल डेवेंटर, ये याद आपको रखना है। तीन इसके प्रूवर हैं, कुसिंग गैचेल एंड डेवेंटर इसके प्रूवर हो गए। फैमिली, जैसे एब्रोटेनम प्लांट है तो इसकी फैमिली होगी, फैमिली इसकी है कंपोजिटी, कंपोजिटी फैमिली है। इसका सोर्स, सोर्स आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारा चीज़ मिलेगी कहाँ से, आप देखेंगे जो ये सोर्स है ये आपके फार्मेसी में लिखा हुआ, फार्मेसी क्या चीज़ है ये, तो आप सोर्स इसलिए याद रखेंगे कि ये पूछा बहुत ज़्यादा जाता है एग्जाम्स में। तो आपका एब्रोटेनम का सोर्स क्या है, यंग सूट्स एंड लीव्स, उसके यंग फ्रेश सूट्स एंड उसकी पत्तियाँ, ये इसके सोर्स है मेन, आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ आती है स्फीयर ऑफ एक्शन, एब्रोटेनम का स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ है, ये याद ऐसे आपको रखना है। स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ है, मोस्टली ये GIT की रेमडी है, GIT के आप याद देखेंगे। और दूसरा सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका है मसल, मसल फाइबर, GIT एंड मसल फाइबर पे इस पर स्फीयर ऑफ एक्शन है। अभी आप देखेंगे डिजीज़ कैसे जनरेट होती है। तीसरी चीज़ पे आते हैं हम लोग, पैथोजेनेसिस, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, हम लोग देखेंगे कि एब्रोटेनम में डिजीज जनरेट कैसे होती है। पैथो का मतलब डिजीज, जेनेसिस का जनरेशन, डिजीज जनरेट कैसे होती है। जनरली ये हो गया हमारा फॉर्मल में एक रफली स्टमक बनाया हुआ है, आप इसमें देखेंगे एब्रोटेनम में जो डिजीज होती है, पैथोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, वो मैरिस्मस होती है ज़्यादातर। ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM की डिजीज़ है, दो डिजीज आती है PEM के अंदर, आप याद रखेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर दो चीज़ आती है, मैरिस्मस आती है एंड क्वासियोरकर, ये दो चीज़ें आती हैं। तो मैरिस्मस इसको होता कैसे है, आप देखेंगे जनरेट कैसे होगा, किसी को एनर्जी की या किसी चीज़ को प्रोटीन की कमी कैसे होगी, या तो उसका इंटेक कम है, पहला आप याद रखेंगे उसका इंटेक कम है, उसके मुंह से पेट में जा ही नहीं रहा खाना, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, पहला तो ये रीज़न हो गया आप याद रखेंगे पैथोजेनेसिस में, उसका इंटेक कम है। इंटेक कम कैसे हो सकता है, पेशेंट गरीब है या वो बच्चा बहुत ज़्यादा गरीब है। दूसरी चीज़, चलिए ठीक है इंटेक अच्छा है, यहाँ से गया तो नीचे, लेकिन इसका दूसरे नंबर पे डाइजेशन ही सही नहीं है, पेशेंट का डाइजेशन ही नहीं सही है, उसने खाना तो अच्छा खाया लेकिन खाना सही से डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, तो डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसको शरीर में लगेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक उसको प्रोटीन की या एनर्जी की लैक होगी और उसको मैरिस्मस हो जाएगा। तो दूसरा रीज़न याद रखेंगे आप डाइजेशन, चलिए उसका इंटेक भी सही है, अमीर भी है, उसने लिया, दूसरी चीज़ डाइजेस्ट भी हो गया, लेकिन यहाँ से उसके ब्लड में एब्जॉर्प्शन नहीं सही है, एब्जॉर्प्शन ही नहीं सही है, एसिमिलेशन बोलते हैं इसको, उसने खाया सही, डाइजेस्ट सही हुआ, लेकिन आपके ब्लड में एब्जॉर्प्शन ही नहीं सही हुआ, या आपके बॉडी में एब्जॉर्ब ही सही से नहीं हुआ और वो आपके स्टूल के थ्रू बाहर चला गया, तो तीसरा रीजन हो गया एसिमिलेशन। तीनों GIT के ही काज हैं, इसीलिए हमने कहा था GIT पे अच्छा एक्शन है, तो GIT पे अच्छा एक्शन होगा तो ये डाइजेशन को सही करेगी मेडिसिन, इसके एसिमिलेशन को सही करेगी, ऑटोमेटिक उसके खून में जाएगा, उसके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा खाना, तो वो हेल्दी होगा। तो तीन रीजन याद रखेंगे, पैथोजेनेसिस में इंटेक, इंटेक में पुअर होगा, डाइजेशन खराब होगा, या तो एसिमिलेशन खराब होगा, या कोई दो होगा रीजन इसमें, या तो कोई तीन रीजन होगा, तो इसके तीन मेन कारण हैं पैथोजेनेसिस में, आप याद रखेंगे ये। अब जिसका इंटेक सही नहीं है, या डाइजेशन सही नहीं है, या एसिमिलेशन सही नहीं है, उसको एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक उसका मेकअप कैसा होगा, उसका दिखावा कैसा होगा, उसकी बॉडी कैसी होगी, लीन थिन इमेसिएटेड दुबला पतला, उसके गाल लटके हुए, बेबी बहुत ज़्यादा थिन होगा, बहुत ज़्यादा दुबला पतला होगा, इवन उसका जो लुक आएगा वो ओल्ड वाला आएगा। तो ये उसका फिजिकल मेकअप आप खुद समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी, इंटेक खराब या डाइजेशन खराब या एसिमिलेशन, तो उसका लुक कैसा होगा, ओल्ड वाला जैसे लुक होता है वही सारा होगा, चेहरा बिल्कुल लटका हुआ, झुर्रियाँ पड़ी हुई। टेम्परामेंट, जिसके बॉडी में चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं, जिसके बॉडी में खाना नहीं है, एनर्जी नहीं है, वो ऑटोमेटिक इरिटेबल होगा, उसको इरिटेशन होगी छोटी छोटी चीज़ों पे,
तो वो पेशेंट इरिटेबल ऑटोमेटिक हो जाता है। तो टेम्परामेंट में आप जाएंगे इरिटेबल, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा गुस्सेल आपको मिलेगा वो बच्चा। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, ये पेशेंट चिली है, आपको याद रखना क्योंकि ये प्लांट रेमडी है तो इसका करेक्टर आपको याद रखना है, ये चिली मेडिसिन है। तो चिली है तो जनरली इसको कोल्ड से एग्रेवेशन होगा, तो इसके एग्रेवेशन में आप लोग जाएंगे हर जगह देखेंगे इसको कोल्ड से इजिली अफेक्शन हो जाता है। मियाद में आएंगे हम लोग, इसके मियाद में इसका सोरा है, इसका मियाद में सोरा है, जितनी भी इसमें देखेंगे दिक्कतें आएंगी सोरी आएंगी। डायथेसिस में आते हैं, ट्यूबरकुलर डायथेसिस है क्योंकि इसका खाना पीना हर चीज़ डिस्टर्ब है, इसकी वजह से इसका जो लुक आएगा वो कैचेक्सिया वाला आएगा, कैचेक्टिक लुक आएगा, दुबला पतला इमेंसिएटेड जैसा टीबी का लुक होता है टीबी के पेशेंट का, तो ये ऑटोमेटिक ट्यूबरकुलर डायथेसिस की तरफ ये बढ़ रहा होता है पेशेंट। जैसा कि हम लोग कंस्टिट्यूशन तक देख लिए हैं, नेक्स्ट हम लोग आते हैं माइंड की तरफ। तो हम लोग कंपेयर कर रहे थे चीज़ों को एब्रोटेनम से कि कैसे हम लोग देखते हैं कि मेडिसिन को पढ़ना चाहिए। तो माइंड का हम लोग देखते हैं, हमने पहले ही बताया उसका इनटेक सही नहीं है, उसका डाइजेशन सही नहीं है, एब्रोटेनम को हम लोग देख रहे हैं, और उसका एसिमिलेशन या एब्जॉर्प्शन सही नहीं है, एसिमिलेशन या एब्जॉर्प्शन सही नहीं है, ये पैथोजेंसिस है। अब जिसका ये नहीं सही होगा उसके शरीर में ना ताकत होगी ना एनर्जी होगी, उसका दुबला पतला शरीर होगा, तो ऑटोमेटिक माइंड से भी वो कैसा होगा, दुबला पतला ही होगा, तो उसकी वजह से वो इरिटेबल बहुत ज़्यादा होगा। क्रॉस का मतलब उसकी बातों को क्रॉस करेंगे या उसकी बात नहीं मानेंगे, ज़रा सा आप उसके खिलाफ मर्जी के खिलाफ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा वो शो करेगा आपको। तो माइंड से आपको देखेंगे इरिटेबल, झगड़ैल, गुस्सैल, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होने वाला, ये आपको पेशेंट मिलेगा क्योंकि सारा पैथोजेंसिस की वजह से ही इसका आ रहा है। उसी की वजह से आप देखेंगे फिजिकल आते हैं सिम्टम्स, उसी की वजह से आपको मेंटल ये दिखेंगी। एलिमेंट्स फ्रॉम, आपका एलिमेंट्स फ्रॉम तो यही है, इसका सारा डाइजेशन खराब है, इसका एसिमिलेशन खराब है या इसका इनटेक खराब है, उसी वजह से ही सारी ओरिजिन हो रही है, सारी प्रॉब्लम आ रही है। गाइडिंग सिम्टम में जाते हैं हम लोग एब्रोटेनम के, तो एब्रोटेनम का गाइडिंग सिम्टम इसकी बेसिस पे ही होगा क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम है मेरिस्मस है या ये इनटेक डाइजेशन या कुछ भी खराब, उसकी वजह से इसका गाइडिंग सिम्टम आएगा। जैसे हम लोग देखते हैं इसमें इसकी हंगर जो होती है रेवेनस हंगर होती है, रेवेनस हंगर का मतलब खाना बहुत ज़्यादा खाएगा, पेट भर के खाना खाएगा, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान से ज़्यादा खाना खाता है लेकिन लगता कुछ नहीं। रेवेनस हंगर का मतलब बहुत ही ज़्यादा भूख, नॉर्मल से ज़्यादा भूख या नॉर्मल से ज़्यादा खाना खाता है लेकिन लगता उसको कुछ नहीं। दूसरी चीज़ देखेंगे मैरिसमस, लगता क्यों नहीं है, हमने तीन रीज़न बताया, या तो इनटेक खराब है, या तो उसका डाइजेशन खराब है, या तो उसका एसिमिलेशन या एब्जॉर्प्शन खराब, उस वजह से इसकी इसको मैरिसमस होगा। ठीक है, उसका रीज़न ये तीन जो हमने बताया है जीआईटी से रिलेटेड, उसी वजह से इसको मैरिसमस होगा उसी वजह से मेंटल सिम्टम आएंगे। और मैरिसमस में इसको कैसा होगा, ये प्रोग्रेसिव होता है, एग्जाम के पर्पज से आपको याद रखना है, क्लिनिकल भी याद रखना है। दूसरी चीज़ होता है इसको याद रखना टर्म एसेंडिंग, इसके हाथ पैर जनरली इसका लोअर पार्ट बहुत ज़्यादा दुबला पतला होता है, तो पैर से शुरुआत होगी इसका, पहले पैर बहुत पतला होगा, उसके बाद थाइज, उसके बाद पेट, उसके बाद सारा चीज़ें, उसके बाद नेक, बहुत ज़्यादा ये होगा, तो एसेंडिंग टाइप ऑफ इसको मैरिसमस होता है। दूसरी चीज़ इसमें प्रोग्रेसिव होता है, मतलब बढ़ता ही चला जाता है टाइम के साथ। आप देखेंगे इसमें मोस्टली ये एसेंडिंग वाला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गाइडिंग में आप देखेंगे रेविनस हंगर है, मैरिसमस है, प्रोग्रेसिव है, इसी की वजह से ही जितनी दिक्कतें होती हैं जीआईटी की वर्जिन की वजह से होती है, तो ये सब इसके गाइडिंग सिम्टम में इस तरह आप पढ़ेंगे। पर्टिकुलर्स में आते हैं, ये कोई बहुत बड़ी रेमडी नहीं है, छोटी रेमडी, पर्टिकुलर में इसके एक ही चीज़ आपको मिलेगी मैरिसमस, पर्टिकुलर मैरिसमस, हमने कहा था पर्टिकुलर में आपको डिजीज मिलेगी पढ़ने के लिए, और उसको आपको कंप्लीट सिम्टम याद रखने पांच चीज़ें, लोकेशन, सेंसेशन, मोडलिटी, कनकॉमिटेंट और साथ में कॉजेशन। कॉजेशन क्या होगा मैरिसमस का, सेम चीज़ जीआईटी, खाना नहीं खा रहा है, गरीब है इसलिए मिल नहीं रहा उसको, इसलिए मैरिसमस, अमीर है खा रहा है लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं सही से हो रहा है, अमीर है ले भी रहा है डाइजेशन भी सही है लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं सही है क्योंकि उसका इनर सिस्टम नहीं सही है बॉडी का, तो तीन रीजन। तो कॉजेशन में आपका ये चीज़ आएगी, लोकेशन लोअर एक्सट्रीमिटीज़, आपको जो मैरिसमस है उसका लोकेशन क्या, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है और असेंडिंग टाइप है। सेंसेशन क्या होगा, सेंसेशन में एक हिसाब से जाएंगे कि दुबला पतला वीकनेस उसको बहुत ज़्यादा लगेगी, नींद लगेगी, ये उस बुक के बॉडी का सेंसेशन है। मोडलिटी दुबला पतला है, आप देखेंगे चिली पेशेंट है तो इसको एग्रेवेशन में उसकी जितनी भी प्रॉब्लम मिलेंगी आपको कोल्ड में मिलेंगी, तो ठंडी के सीजन में इसको ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, चिली है, उसको आराम मिलता है मोशन से क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, गुस्सैल है, इस वजह से उसको गुस्सा लगती है, वहाँ से हट जाना, वहाँ से चले जाना ही इसको अच्छा लगता है, तो मोशन से इसको आराम मिलेगा। कनकॉमिटेंट में जाते हैं आप,
जैसे ही आप देखेंगे अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन मिलेगा। कभी इसको पेट खराब होगा, कभी इसका पेट साफ ही नहीं होगा, तो ये आपको मिलेगा अल्टरनेटिंग सिम्टम में।